बस सडनली बन गया प्रोग्राम, हमने कहाँ बनाना होता है जब। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ, लास्ट व्लॉग में भी मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपको पता लगेगा अगर आप मेरे व्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तो इस वाले व्लॉग में मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगी। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग रेडी हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगी। और जिस जिस जगह मैं जा रही हूँ वो जगह, मतलब होता है ना कि उस चीज उस जगह के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगी। तो बस इतना ही कहूंगी, एंड तक जरूर देखिएगा व्लॉग, बने रहिएगा व्लॉग में। तो बच्चे साथ में ये देख सकते हैं, मनन जी बैठे हैं यहाँ पर, वेग जी आ रहे हैं घर ब्लॉक करके। तो बस अभी हम निकलेंगे विद इन 2 or 3 मिनट्स में, तो स्टे ट्यून। तो गाइज अभी हम बहुत भारी भरकम जाम के बीचों बीच में से निकले हैं। सॉरी आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे लगा नहीं कि शूट करना चाहिए। वेग जी बोल रहे हैं शूट करना चाहिए। वैसे ही फंसे फंसे दिमाग खराब हो गया था वो, भगवान जाने इन लोग कैसे हैं यार। तो अभी का जैसे हम निकल आए हैं हाईवे पे, तो यहाँ का लुक आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉग में कमेंट करिएगा, बताइएगा, नहीं तो एंड में तो हम लोग खुलासा कर ही देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ शुरू हो गए हैं, बट हम कोई हिल स्टेशन पे नहीं है अभी। ये गलत फहमी में मत रहिएगा, ये हिल स्टेशन वाले पहाड़ नहीं है, ये है राजस्थान के पहाड़। मुझे पता था वेग जी से रहा नहीं जाएगा। तो गाइज हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान में, और ये भी बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं खाटू सारे के सहारे, खाटू श्याम बाबा के दरबार। तो बस प्रोग्राम कैसे बना, कैसे मतलब क्या था जाने का, वो आपको बताएंगे वेग जी, तो मैं अभी उनकी तरफ ही करने वाली हूँ। उनको तो इनकी स्टोरी पता ही होगा, जैसे हमने अपने बच्चों को बताया कि अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे कंफ्यूज थे, बच्चों ने श्याम का नाम कृष्ण भगवान से रिलेट कर रहे थे, तो है तो एक्चुअली वही ऑलमोस्ट वही सेम चीज। जो लोग नहीं जानते उनको बताएं, भीम के बेटे थे कटोत्कच जी, कटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। तो ये जो खाटू श्याम बाबा हैं ये बर्बरीक हैं। बर्बरीक ने तपस्या करी थी और देवी ने प्रसन्न होकर उनको 3 बाण दिए थे, और वो ऐसे थे कि अभेद थे। एक बार उन्होंने छोड़ दिया अगर वो बाण अपने धनुष से, तो वो जो भी टारगेट होगा वो उसको अचीव करके ही वापस आएगा उनके पास। तो ये चीज़ किशन भगवान को पता चल गई कि ऐसे ऐसे बर्बरीक हैं जो वो महाभारत के युद्ध में जा रहे हैं, और उनकी मम्मी ने उनको, मदर ने, बर्बरीक की जो माता जी थे, उन्होंने कहा था कि बेटा तू बहादुर है, तू युद्ध करने जा रहा है, तो तू सहायता उसी की करना जिसको ज़रूरत हो तेरी, जो हार रहा होगा उसका सहायक बनना, जीतते के साथ क्या शौर्य है, मतलब उस तरीके से। तो बर्बरीक ने माता जी का आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि मैं उसी के साथ का सहारा बनूंगा जो हार रहा होगा युद्ध में। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा रहा तो बर्बरीक जब आएंगे तो वो पहले कौरवों का साथ देंगे, क्योंकि कौरव हार रहे होंगे, जब कौरव जीतना शुरू कर देंगे पांडव हारने लगेंगे, तो फिर बर्बरीक पांडवों की साइड से लड़ना शुरू कर देंगे, फिर वाइस वर्सा ऐसा चलता रहेगा, और लास्ट में सब लोग खत्म हो जाएंगे युद्ध में, सिर्फ बर्बरीक बचेंगे। और ये सोच कर के वो मिलने पहुंचे भेष बदल के बर्बरीक से। तो जंगल में रास्ते में जब बर्बरीक को पंडित के वेश में मिले, ब्राह्मण के वेश में मिले, तो उन्होंने उसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, इसे कि युद्ध करने जा रहा हूँ, उसमें महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। कह रहे सिर्फ 3 बाण लेके जा रहे हो, 3 बाण लेके कौन युद्ध में जाता है।
तो हमने कहा कि ये तीन बाण तो मुझे देवी की कृपा से मिले हैं और इनमें बहुत शक्ति है, तो कह रहे मुझे भी दिखाओ शक्ति। वो एक पेड़ था पीपल का, उन्होंने कहा कि सारे पत्ते भेज सकता है क्या तुम्हारा बाण? तो उन्होंने हाँ बोला और उन्होंने तीर चलाया। वो बाण सारे पत्तों को छेद करता हुआ कृष्ण भगवान के पैर के नीचे, उन्होंने एक पत्ता छुपा लिया था तो उनके पैर के पास आकर के मंडराने लग गया वो ऐसे तीर उनके पैर के पास। तो परवरीक उनसे कहते ब्राह्मण राज आप अपना पैर हटा दीजिए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, अगर आप नहीं पैर हटाओगे तो ये आपके पैर को छेद करते हुए फिर उसमें पत्ते में छेद करेगा। तो कृष्ण भगवान के समझ में ये बात आई कि भाई अगर मैं किसी भी तरीके से पांडवों को बचाने के लिए अगर छुपा भी दूंगा कहीं पे, तो भी अगर बर्बरीक ने सिर्फ उनका नाम लेकर तीर चला दिया तो तीर तो अपने आप वो उनको ढूंढ लेगा। कि अगर बर्बरीक को नहीं भी पता होगा कि पांडव कहाँ पे हैं और अगर उन्होंने चला दिया तो तीर तो अपना काम करके ही आएगा, मतलब पांडवों का मरना तय है। तो ये सोच करके फिर उन्होंने वो अपने एक वो कहते हैं ना कि शीश मांग का दान मांगा उन्होंने, तो उन्होंने शीश का दान मांगा बर्बरीक से। बर्बरीक अब समझ गया कि यार ये कोई नॉर्मल ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है, कुछ और हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, आप मुझे अपने एक्चुअल दर्शन रूप के दर्शन कराओ, आपके आप हो कौन? तो श्री कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं तो उनको देख करके वो कहते हैं कि प्रभु ठीक है आपने शीश मांगा है तो मैं शीश का दान जरूर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली कि मेरे धड़ का जो दाह संस्कार होगा वो आप करोगे अपने हाथों से, और दूसरी शर्त ये कि क्योंकि मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था और अब नहीं कर पाऊंगा आपके शीश दान की वजह से, तो एटलीस्ट आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये जो महाभारत का युद्ध है ये अपनी आंखों से देख पाऊं, पूरा युद्ध मैं अपनी आंखों से देख पाऊं, मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं। तो उन्होंने इस दोनों चीज़ें उनकी मानी श्री कृष्ण भगवान ने, और जैसे उनके उनके धड़ की दाह संस्कार भी किया और उनका शीर्ष स्थान भी उनका ऐसे जगह प्लेस किया कि जहाँ से वो कुरुक्षेत्र में होने वाला महाभारत का पूरा युद्ध देख पाए। एक और भी है स्टोरीज के अंदर, लास्ट में जब पांडव जीत जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है महाभारत का जो खेल था ये तो सारा सारी लीलाएं थी उनकी श्री कृष्ण भगवान की, उन्होंने अपने तरीके से सारे वो अपने प्लेसमेंट्स कर करके अपने चलाकियों से अपने अपनी ट्रिक्स से उन्होंने वो जिताया था पांडवों को। तो पांडव को जब वो घमंड हो जाता है कि नहीं ये तो मैंने मारा, भीम कहता जी दुर्योधन को मैंने मारा था, युधिष्ठिर कहता जी इसको मैंने मारा था, तो हम में से हम पांचों पांडवों में से कौन कारण था इस महाभारत की युद्ध को जीतने का, तो वो बताइए हमें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक जो है वो बैठ के सारा युद्ध देख रहे थे, तो चलते हम लोग और बर्बरीक से ही पूछते हैं। तो जब जाके उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि आप बताओ आपने सारा युद्ध देखा है कि युद्ध में असली शूरवीर कौन था, किसकी वजह से ये हम लोग युद्ध जीते हैं? तो बर्बरीक जी क्या कहते हैं कि भाई मैं तो किसी को देख ही नहीं पाया, मुझे तो पूरे युद्ध क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिख रहा था, जहाँ पे जो भी घटना हो रही थी वो सब कृष्ण भगवान ही कर रहे थे, यही दिख रहा था मुझे तो। तो उनका भी घमंड टूटा, वो भी समझे इस बात को। पॉइंट इज की एक अद्भुत मतलब कल्पनीय शक्ति थी इनके पास, जो कि किसी भी हारने वाले इंसान को जीत में कन्वर्ट कर सकती थी। तो लोग बहुत विश्वास करते हैं उनमें और कहते हैं कि जो हारता हुआ इंसान बर्बरीक का जो कि श्याम रूप में ही है, तो उनको खाटू श्याम भी कहा जाता है, तो उनका जो सहारा लेता है फिर वो कभी हारता नहीं, वो जीतता ही जीतता है अगर वो सच्चे दिल से उनका सहारा मांग ले तो। हम लोग भी जा रहे हैं अपने किस्मत आजमाने हम भी जा रहे हैं गाइस, मिलते हैं आप लोगों को स्टोरी देख जिन्हें पूरी बताई है, तो मिलते हैं फिर वहीं पे। अब रास्ते में हैं हम लोग, हमें अराउंड मतलब 2-3 घंटे लगेंगे बस। तो गाइस ये है राजस्थान की फेमस कड़ी कचौरी, जैसे हमारे वहाँ पर आलू की सब्जी मिलती है तो यहाँ पर मिलती है कड़ी विद कचौरी, देख सकते हैं आप। और ये है सिंपल कचौरी चटनी के साथ। तो गाइस एक चीज और हमने
मिस कर दी, मतलब मैंने शूट नहीं किया। ये जो क्या है, कितने तेरे हाइट कितनी है? 5'4" हो गई इसकी, वो 5.5 है। इतनी है तो ये अभी भाई साहब जो बीच में बैठे थे और ये उठ के बीच में से वो पीछे वाली सीट पे चला गया, ये जंबो बीच में फंस गया था। गजब बेइज्जती है। और तुम आगे ये कहते, तुम आगे कह रहा भैया तू तो कह रहा था मैं जट्टू। जट 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 तो बोला नहीं है, कह रहा भैया तू तो कह रहा था मैं जट्टू। फर्स्ट फर्स्ट राम। तो गाइस अभी देखिए हमें रास्ते में इतने बड़े शिवलिंग दिखी है, वाओ क्या ये झूला झूला बना हुआ है, झूला है आगे, मतलब कुछ। इस जगह का नाम है सतयुग। मैं ऐसे एकदम क्लोजअप लेती हूँ ताकि दिखे, वाओ अब दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं क्या नाम है, सतयुग। इस तरह का कुछ इसका गेट है और वहां से हमें दिखे शिवलिंग, बहुत ब्यूटीफुल। तो पापा कैसे बोलते थे, जय भोले बाबा की, हमेशा पापा ऐसे बोलते थे शिव जी को देख कर। तो गाइस ये देखिए यहाँ के पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, पहाड़ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं हिल स्टेशन में जा रही हूँ राजस्थान में। यार पहाड़ है फिर भी गर्मी है, ऐसा क्यों? अरे यार ये वैसे पहाड़ नहीं है ना कि आप, वो देखो हाइट आपकी इंक्रीज हो रही है, आप चल तो प्लेन में ही रहे हो, साइड साइड में पहाड़ है। मेरे ख्याल से इनको कौन क्या बोलते हैं, ये शायद अरावली की रेंज है, पता नहीं, छोटे छोटे पहाड़ ना चलते रहेंगे काफी दूर तक। नहीं उड़ेगी, वो नहा रही है। ये गाइस चिड़िया नहा रही है, उधर बहुत सारी थी। तो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं बाबा की नगरी में, अभी बस थोड़ा से ही दूर है रह गया है और मौसम देख सकते हैं थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। मैंने थैंकफुली मतलब प्रेयर तो की है कि बाबा से, पहली बार आ रहे हैं हम लोग आपके दरबार में तो थोड़ा सा मतलब गर्मी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा हम पे भी ठंडक बरसाई जाए, रहम करना, क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और राजस्थान की गर्मी तो आप सबको पता ही है। जो जो यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स भी होके गई हैं वो सब बोल रही थी कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो अभी देखते हैं कि हमारे साथ कैसा रहेगा। तो ये है ट्रेन का रास्ता गाइस, मेरे को लग रहा है यहाँ से होगा कुछ, यहाँ तक तो आती होगी, ये स्टेशन भी होगा यहाँ पर है ना। तो गाइस देखिए श्रद्धा है, अपने अपने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नंगे पैर भी आ रहे हैं इतनी, जबकि गर्मी है यहाँ पर और जो रोड होगी वो तो इतनी तप रही होगी, तो मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी दूर कंटिन्यू ऐसे चल सकते हैं बिना चप्पल के। बट देख सकते हैं बस जहाँ पर हमने पार्क किया है गाड़ी वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है जो हमने यहाँ पर पैदल चलना थोड़ा। तो गाइज हमने वहाँ पहुँच कर लिया प्रसाद और जैसे कि हमें कुछ भी नहीं पता था तो हमने यहाँ पर जो प्रसाद वाले भैया थे उनसे ही स्टोरी पूछी कि क्या क्या चीज़ें चढ़ती हैं क्या क्या नहीं, तो वो थोड़ा सा शर्मा रहे थे तो उन्होंने दूसरे वाले भैया को बोला कि आप बताओ क्या है क्या नहीं, तो देख के वो बता रहे हैं। अच्छा क्या क्या चढ़ते हैं, इत्र बाबा के चढ़ते हैं, इधर ले जाते हैं मन्नत के लिए, मन्नत मांगते हैं ना, घर ले जाके रख देते हैं, जैसे मन्नत पूरी हो जाए तो वो वापस आके बाबा को चढ़ा देते हैं। अच्छा और ये मोरपंख दिखाने से आगे मोरछड़ी, ये जाड़ा लगता है बाबा की, इसका मोरछड़ी का जाड़ा। अच्छा मोर मुकुट गुलाब क्यों चढ़ता है, इच्छा अनुसार। तो गाइस सबसे पहले हम पहुंचे श्री श्याम कुंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर नहा भी रहे थे बट यहाँ का पानी मुझे जो लगा मतलब मुझे क्या था ही नहीं साफ। तो गाइस वो जो ई रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने तो बोला था 2 किलोमीटर लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है, आगे गलियों गलियों का है, मतलब अभी बस हम मंदिर के पास ही पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ मार्केट है साइड में, प्रसाद हर जगह मिलेगा आपको। जय श्री श्याम,
ले ले मेरे हाथ भरो बेटा। तो गाइज ये देखिए बादल में, जैसे बादलों के बीच में जैसे सूरज छुप रहा है, क्या है डोंट नो, बट जो जहाँ से वो आपको रोशनी दिख रही हो शायद से देख सकते हैं, वो कलर जैसे रेनबो कलर्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वाओ। तो गाइज मैं ये बता रही थी कि दिन में तो इतनी गर्मी थी, बट अभी मौसम थोड़ा हो गया है सुहाना, जैसे कि देख सकते हैं। ये थी पार्किंग जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो गाइज अभी हम दर्शन करके आ गए हैं, दर्शन बहुत अच्छे रहे, मतलब रश तो काफ़ी था, लेकिन हम ऊपर वाली साइड से गए तो हमें सामने सामने बाबा जी दिख गए, और जो लोग शायद नीचे थे उनको तो पूरे दिख भी नहीं रहे होंगे। दो एंट्रीज थी, मतलब जिस एंट्री से हम लोग गए, मतलब हमें तो लगता है कि वो शायद हमें एकदम सामने सामने से दर्शन, सामने सामने से दर्शन, बहुत बढ़िया था। और मुझे प्रसाद में मिला है, कहाँ गया वो प्रसाद में, एक इत्र की बॉटल, 1 रुपए का सिक्का और एक गुलाब झोली में डला मेरे, तो अच्छा लगा बहुत। हे गाइस, तो अभी हमारा डिनर हो चुका है और हम जा रहे हैं सोने के लिए। मतलब यहाँ पर हमको एक अच्छा सा वो मिल गया था, छोटा सा जैसे होता है, क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट तो बड़ा होता है, तो मतलब अच्छा रूम्स वगैरह मिल गए थे, सस्ता एंड टिकाऊ। और हम लोग यहाँ पर आए, खाना वाना खाया, खाना भी ठीक था, तो अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो गाइज़ बस आज थक भी बहुत गए हैं, क्योंकि गर्मी तो थी बट हमने जितना सफ़र गाड़ी में कवर कर लिया तो उतनी गर्मी हमको नहीं लगी कार में। और जब हम आज दर्शन के लिए पहुँचे तो वैसे ऑलरेडी मौसम अच्छा हो गया था, थोड़ा हवा चल पड़ी थी तो ठंडा हो गया था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगी नहीं। दूसरा एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे पर्सनली फील हुई है गाइज़, मतलब हम लोग जैसे ये धार्मिक स्थानों पे आते हैं, ये हमारे लिए ही बने हैं, हम इनकी इनके यहाँ बने होने के जो चीज़ें हैं यहाँ पर मान्यता है इनकी, तो प्लीज़ आप यहाँ पर आके थोड़ा सफाई का जो रहता है ना वो मेंटेन रखें। लोग आते हैं इस हिसाब से कि मतलब दोबारा जैसे होता है ना कि आए गन डालकर चले गए, और वैसे तो पूजा पाठ के उसमें कितना वो आप लोग करके आते हैं कि नहीं जी यार पूजा करनी है, या कोई भी स्थान हो, मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ ये, चाहे वो वैष्णो देवी है, चाहे ये है खाटू श्याम जी का है, कोई भी जगह है, तो प्लीज़ प्लीज़ ये आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग साफ सफाई रखें, ताकि ये जो चीज़ें आगे है मेंटेन रहे, हमारे बच्चे आगे बड़े होंगे तो ये चीज़ें देख सके, ऐसा ना हो कि एक बार आए हैं तो दोबारा मन ही ना करे सफाई के अकॉर्डिंग, मतलब आने का कि नहीं यार यहाँ पर तो मतलब इतना ऐसी चीज़ हो रही है कि यहाँ पर नहीं सही है, तो ये चीज़ प्लीज़ मेंटेन करिए। अगर हर एक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है या सरकार के ऊपर ही हम लोग डालें कि नहीं अगर सरकार ने ये चीज़ बनाई तो उसको मेंटेन करें, या हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, तो अगर हम खुद से अपने को सुधार लेंगे कि हम ही नहीं डालेंगे गन, तो हमें देख के शायद सामने वाला भी सुधर जाए। अभी आप वीडियो में देखेंगे, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ ना मैं खिलाफ हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ जो मैं साफ सफाई के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि इतनी गंदगी करी हुई थी लोगों ने वहाँ पे, मतलब खड़ा होना मुश्किल हो रहा था इतनी गंदगी करी हुई। आप गुरुद्वारे में जाते हैं जो उनका सेवा भाव होता है, वो उनकी श्रद्धा देखिए कि वो कोना कोना ऐसे चमका के रखते हैं कि जो मतलब पूरा दिन वहाँ सफाइयाँ चलती है पूरा दिन, तो यहाँ जो स्पेशली है ना जैसे ये चीज़ की बहुत कमी लगी मेरे को, बट ठीक है श्रद्धा के उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ का हम लोग भी ध्यान रखें कि जो साफ सफाई होनी चाहिए। तो बस मैं अभी के लिए तो इतना ही है था व्लॉग में, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में जय बाबा की लिख दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी जाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस करिएगा ताकि और अच्छे अच्छे व्लॉग की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।